लेकिन किरण जी ये बताइए, बाजार को आपने किस तरह से रीड किया? ये 2 दिन की गिरावट के बाद तो वापस से फॉर्म में आ गया। बहुत अच्छा करेक्शन देखने में मिला ऊपर से, और कल का जो क्लोजिंग था आज गैप से खुला है, तो नीचे में शॉर्ट बहुत ट्रैप हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है जल्दी से वापस वो लोज देखने में मिलेंगे, बल्कि हम न्यू हाई की ओर चलते नजर आएंगे। मुझे लगता है कि सोमवार मंगलवार एक नया हाई रजिस्टर हो जाना चाहिए। वाओ, तो ये शब्द के लिए हम में कोई ट्रेड ब्रेक में जाते जाते किरण, पैटर्न में बिल्कुल बाय करके ही चलना चाहिए। परसों भी हमने यही रेकमेंड दिया था, रेकमेंडेशन दी थी, तब एक अच्छा मूव देखने को मिला था। आज भी अंडर करंट स्ट्रांग है, डेरिवेटिव डेटा काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, तो मेरा मानना है कि अगर आप 918 का स्टॉप लॉस लगाते हो और पोजिशनल ट्रेड लेते हो, तो अगले 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर करीबन 960 के करीब आपको ये स्टॉक जाता हुआ देखने को मिल जाना चाहिए। ऑल राइट। टाइटन पर बताइए किरण जी, अब कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है? मुझे याद है पिछली बार त्योहार के दिन ये 4 डिजिट में आया और उसके बाद शर्मा गया, वापस चला गया। वापस अटेम्प्ट करेगा क्या 4 डिजिट तक आने वाले दिनों में? मुझे लगता है कि ये काउंटर काफी अच्छा है, पर अभी के लिए आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए करीबन 915 का, और टारगेट्स के लिए फर्स्ट टारगेट्स 980 985 ये लेवल्स ही रहेंगे। इवेंचुअली ये स्टॉक 4 डिजिट में जाना ही चाहिए, जिस तरीके से वॉल्यूम आ रहा है और डेरिवेटिव डेटा उभर के आ रहा है, काफी कॉन्फिडेंस है इस स्टॉक में। लेंगे क्या 303 पर इस समय? 1.5% से ज्यादा की तेजी, आईटीसी अभी अभी भाग रहा है। आईटीसी चार्ट पे अच्छा ही है, मेरा मानना है कि जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स है उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अभी 302 301 बहुत इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, वो क्रॉस कर लिया है बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ। मेरा मानना है कि ये 306-7 के लेवल्स आज ही देखने को मिल जाने चाहिए। और एक काउंटर जहां पे मेरी नजर है वो है यूबीएल। आज के सत्र में बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ चल रहा है, डेरिवेटिव डेटा बहुत स्ट्रांग है, करीबन 9% के ओपन इंटरेस्ट एडिशंस हो रहे हैं, तो यूबीएल बाय करना चाहिए। 11.25 यानी 5 रुपए का रिस्क रहेगा, और मेरा मानना है कि इधर से टारगेट्स आपको काफी ऊपर के देखने को मिल जाने चाहिए, वो रहेगा करीबन 1150 से 1160 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। बिल्कुल, तो जो सेठी साहब ने कहा और टूटेगा 193 के आसपास, 193 रुपए की गिरावट दिखा रहा है, माफ कीजिए। नहीं, मुझे नहीं लगता और गिरेगा, जो गिरना था वो हो गया है, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ गिरा, और उधर से नीचे से अच्छे डिमांड भी देखने को मिल रही है, तो मेरे मेरे ख्याल से ये अभी अवॉइड लिस्ट में रहेगा, पर नीचे में अगर मिलता है तो डिलीवरी बेस्ड बाइंग लेनी चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ डे चार्ट पे इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, वो करीबन 10,400 के करीब दिया था, आज का भी लो है करीबन 10,400 के करीब ही है, तो वो लेवल्स, ब्रेकआउट के लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के नजर आएंगे, और इसके नीचे अगर क्लोजिंग नहीं मिलती है तो इवेंचुअली 1-2 दिनों के अंदर हम 11,000 के ऊपर ये स्टॉक देखने को मिल जाना चाहिए। बिल्कुल, सभी काउंटर्स में से आपके एनएफएल लेंगे या फिर फैक्ट, मद्रास फर्टिलाइजर, आरसीएफ, इनमें भी पोजीशंस लेने लायक स्थिति बन गई है? दो काउंटर्स है मेरे जिसके डिलीवरी बेस्ड बाइंग करनी चाहिए। एक तो एनएफएल है, जहां पे इधर से एक काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। फर्स्ट टारगेट्स अगर एक महीने का वक्त देते तो करीबन 60 रुपए के देखने को मिल जाने चाहिए, और स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, 44 का रहेगा, और अगर करीबन 6 से 8 महीने का वक्त लेते हैं तो करीबन 78 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा है आरसीएफ। आरसीएफ में भी मुझे लगता है कि काफी अच्छे चार्ट पैटर्न्स है, और जिस तरीके के कंसोलिडेशन बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो गया है 66-70 4 रुपए के रेंज में, 64-63 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, बाय करके चलना चाहिए। इधर एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में 82-84 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए, पर अगर आप 1 साल का वक्त देते हैं तो 100 रुपए के ऊपर के लेवल आपको आरसीएफ में देखने को मिल जाने चाहिए। जबरदस्त जी, पूरे यादव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइए, आपको किसमें कप एंड हैंडल बनता हुआ दिख रहा है? कप एंड हैंडल नहीं, पर एक दो काउंटर्स जो अच्छे लग रहे हैं सोमवार के ट्रेडिंग सत्र के लिए, जो अभी लेके जाना चाहिए, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस मेरा पहला चॉइस रहेगा, जो बाय करके चलना चाहिए। 537 का स्टॉप लॉस रहेगा, 550 के टारगेट्स आपको सोमवार को देखने को मिल जाना चाहिए। दूसरा होगा SREI इंफ्रा, जो कि 56 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स के लिए 6150 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो श्रेय आज मुनाफा घर ले जाएंगे या फिर होल्ड करेंगे? नहीं, मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा अर्षदा जी, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है, और जिस तरीके से हमने यू टर्न ले लिया है करीबन 900 लेवल से, तो नीचे में बहुत शॉर्ट पोजीशंस ट्रैप हो गई है, तो मेरा मानना है कि जो गैप था
30 तारीख और 31 तारीख के बीच में, तो ये गैप भर गया है। तो अगर ये ऐसा गैप भरता है और उसके ऊपर रहता है तो बहुत सारे शॉर्ट पोजीशंस ट्रैप होते नजर आएंगे, और मेरा पहला टारगेट रहेगा करीबन 1043 का, जो कि मंगलवार बुधवार तक आ जाना चाहिए। ओके, स्पीड जेट, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तेजी करके जाएंगे क्या? तेजी करके चल सकते हैं, पर आज सवेरे बहुत लॉन्ग पोजीशंस ट्रैप हो चुके हैं, तो मैं तेजी 183 के ऊपर करना चाहूंगा ताकि नो रेजिस्टेंस जोन होगा और फिर मेरे टारगेट्स 193 194 के देखने को मिल जाने चाहिए। करंट लेवल से 180.75 ट्रेड हो रहा है, 180.75 से लेके 183 बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, वो सप्लाई जोन खत्म होने के बाद ही स्टॉक में अच्छी खासी मूव देखने को मिलेगी।